ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहे इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन जमी आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता ओम शांति। गुड इवनिंग। मेडिटेशन का सुबह का सत्र आप सभी ने बहुत सुंदर रीति से समझा कि अपनी वास्तविकता क्या है। राजयोग का ये दूसरा सत्र है कि जिसमें राजयोग का मुख्य आधार कि जिसके साथ हमें कनेक्शन करना है वो परम शक्ति परमात्मा कौन है। अभी हम सभी ने बहुत सुंदर ये गीत सुना कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। कितने सारे सवाल थे और शायद आज हर मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति ये सारे सवाल है, क्योंकि ईश्वर के बारे में इतनी सारी मत मतांतर हो गई दुनिया के अंदर कि जितना ही ईश्वर को समझना चाहा उतना ही शायद ईश्वर से दूर ही होते गए। और इसलिए आज की दुनिया के यंग जनरेशन के मन के अंदर अनेक सवाल है ईश्वर को लेकर के, और जब भी वो सवाल पूछते हैं तो शायद उनका जवाब हमारे पास नहीं है, या जो भी हम जवाब देते भी हैं उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए भी हमें जानने की आवश्यकता है कि ईश्वर कौन है, नहीं तो वही हालत हो जाए जो एक कहानी याद आती है मुझे कि एक बार एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण का बेटा बीमार हुआ। डॉक्टर के पास लेकर के गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब भगवान बचाए हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था, उसने श्री कृष्ण की पूजा आरंभ कर दी, दिन रात कृष्ण की भक्ति करता रहा, दो दिन लगातार भक्ति कर ली,
दो दिन में एक पड़ोसी आकर उसको कहने लगा कि ऐसे समय पर श्री कृष्ण को थोड़ी याद करना होता है। कहा फिर? कहा ऐसे समय पर माँ को पुकारना होता है, माँ का हृदय करुणा का होता है, वो तेरी प्रार्थना सुनेगी, तेरी मनोकामना पूरी करेगी, तू माँ की भक्ति कर। उसको भी लगा हाँ बात तो सही है, श्री कृष्ण तो कहाँ रास विलास में होंगे पता नहीं, मेरी प्रार्थना सुनता भी होगा नहीं, माँ की भक्ति करनी चाहिए। उसने हे माँ करके पूजा आरंभ कर दी, माँ की भक्ति करता रहा, दो दिन लगातार हो गया। उतने में एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा कैसे समय पर माँ को थोड़ी पुकारा जाता है। कहा फिर? कहा विघ्नहर्ता तो गणेश जी है ना, तू गणेश जी को याद कर, देखिए विघ्न टल जाएगा। उसको भी लगा हाँ बात तो सही है, गणेश जी की भक्ति आरंभ कर दी, दो दिन तक लगातार गणेश जी की भक्ति करते रहे। उतने में एक और पड़ोसी आकर कहने लगा अरे गायत्री मंत्र कर, देख चमत्कार होगा। उसने भी सुना था हाँ गायत्री मंत्र का चमत्कार होता है, ठीक है चलो भाई गायत्री मंत्र आरंभ कर देते हैं। दो दिन तक लगातार गायत्री मंत्र करता रहा। उतने में एक और पड़ोसी आकर कहने लगा अरे संकट मोचन तो हनुमान जी है ना, तू हनुमान चालीसा कर, देख तेरा संकट टल जाएगा। हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। वहाँ एक और पड़ोसी आकर कहने लगा कि पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए हैं, ऐसी भभूति देते हैं जो खिलाने से बच्चा ठीक हो जाएगा, असाध्य बीमारी ठीक हो जाती है, बच्चे को लेकर जाना पड़ेगा। बच्चे को लेकर के गए बाबा जी के पास, एक भभूति उसको खिलाई, घर आए दो दिन के बाद बच्चा मर गया। कारण क्या हुआ? कारण क्या हुआ? क्या कहेंगे? विश्वास की कमी। सभी को बहुत विश्वास के साथ ही उसने याद किया, फिर विश्वास की कमी कैसे हो गई? एक पर विश्वास नहीं था। यही हम जानना चाहते, क्या यही विश्वास है? क्योंकि शायद हमें पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, किसको याद करने से क्या मिलेगा, ये पता ही नहीं है। इसीलिए इतनी भक्ति करने के बाद भी प्राप्ति नहीं हुई। आज हर मंदिर के अंदर सारे देवी देवताओं के फोटो लगा दिए जाते हैं या मूर्तियां रख दी जाती है कि सबकी भक्ति करते रहो, जो सही होगा हमें पता नहीं है, न पंडित जी को पता है न किसी को पता है, आप सबकी भक्ति करते रहो, यही विश्वास है क्या? आज घर के अंदर भी सारे देवी देवताओं के फोटो लगा दिए जाते हैं, सबको दिया बत्ती करते रहो, कोई नाराज नहीं होना चाहिए, क्या यही विश्वास है? यही सत्य है। इसलिए सत्य को जानना बहुत आवश्यक हो गया है, ताकि ये जो शिकायत है हमारी कि मन नहीं लगता है, भगवान को याद करते मन भटक जाता है, क्यों नहीं लगता है मन? मन का दोष नहीं है, लेकिन अभी तक मन वही समझ नहीं पाया किसमें लगाऊं, किसमें लगूं, ये मन खुद ही समझ नहीं, इतना कंफ्यूज्ड हो गया है। इसलिए ये शिकायत हर एक व्यक्ति की है कि ईश्वर को याद करने बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। और क्यों मन नहीं लगता है? क्योंकि शायद हमारे मन को अब ये क्लियर करने की आवश्यकता है कि सत्य क्या है। सत्य एक होता है, और इसीलिए एक बार
मैंने एक कार्टून देखा जिसमें देखा एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है, हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहले कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था कण कण में व्यापक है, कहाँ नहीं है। पांचवी कॉलम में लिखा था निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड। अगर सचमुच भगवान है तो कैन यू प्रूव इट। अब ये सारी मतें, इससे भी अधिक मतें हो सकती है, लेकिन ये सारी मतों को पढ़ने के बाद वो व्यक्ति ने क्या डिसीशन लिया होगा, सत्य किसको कहा जाए, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको उसने समझा ही नहीं। क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है। वो उदाहरण याद आता है, तो ये कहानी हम सभी जानते हैं 5 सुरदासों की, के 5 सुरदासों को कहा गया कि हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आया तो कहा हाथी खंबे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सुंड आई तो कहा सांप जैसा है, और एक के हाथ में कान आए तो कहा सूप जैसा है। आखिर हाथी कैसा था, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है। यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करती हूं कि मान लो कि ये 5 सुरदासों को कहा जाए कि एक छठा सुरदास दूर बैठा है, उसको जाकर डिस्क्राइब करना है कि हाथी कैसा है। वन बाई वन ये सभी जाते हैं छठे सुरदास के पास, जिसने महसूस भी नहीं किया है। पहला जाकर कहता है कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंबे जैसा है। दूसरा जाकर कहता है कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। तीसरा जाकर कहता है हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। चौथा जाकर कहता है हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लचीला सांप जैसा है। और पांचवा जाकर कहता है हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा पंखे जैसा है। पांचों की बातें सुनने के बाद ये छठा सुरदास क्या क्या परसीव करेगा कि हाथी कैसा प्राणी है, कितना कंफ्यूज्ड होगा, लेकिन फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि पांचों ने तो महसूस किया है, वो झूठ थोड़ी बोलते होंगे, सही बोलते होंगे, होगा कोई ऐसा प्राणी जो घड़ी घड़ी अपना रूप बदलता होगा, विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सुरदास को कहा जाता है कि तुमने जो समझा, एक सातवां सुरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर के बताना है हाथी कैसा प्राणी है। अब वो जाता है सातवें सुरदास के पास और कहता है देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन पांच ने जो महसूस किया
उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं तुझे बता रहा हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो लंबा लंबा खंभे जैसा हो जाता है, कभी तो वो सीधा सीधा दीवार जैसा हो जाता है, कभी तो वो गोल गोल रस्सी जैसा हो जाता है, कभी तो वो सांप जैसा हो जाता है, और कभी तो वो पंखे जैसा हो जाता है। सातवां सूरदास उसकी बात सुन करके क्या क्या कहेगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा, कहेगा बकवास। ऐसा कोई प्राणी होता है? हाउ कैन यू बिलीव दिस? अरे कोई रंग बदल सकता है, पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ऐसा कभी हो सकता है? इंटेलिजेंट था, आज का मॉडर्न युग का है, समझ सकता है। तो इसीलिए कहा उसने, आई डोंट बिलीव दिस, एंड इफ यू कैन प्रूव इट तब मैं मानू। तो छठा सूरदास क्या कहता है, पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। कहीं हमारी हालत भी कुछ ऐसी तो नहीं हुई है? हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या की शक्ति से, साधना की शक्ति से ईश्वर का कोई गुण महसूस किया, किसी ने सत्य की क्वालिटी को महसूस किया तो कह दिया सत्य ईश्वर है, किसी ने प्रेम की क्वालिटी को महसूस किया तो कहा प्रेम ईश्वर है, किसी ने नेचर में कुछ महसूस किया तो कहा नेचर ईश्वर है, किसी ने कोई आत्मा में कोई प्राप्ति कर ली तो समझ लिया मनुष्य तो ये नहीं कर सकता, भगवान ही है उसके अंदर, किसी ने ब्रह्म को मान लिया, किसी ने कण कण में देख लिया, किसी ने निराकार के भगवान का ऐसा रूप भी नहीं, ऐसा रूप भी नहीं, ऐसा रूप भी नहीं, निराकार है वो। लेकिन ये सारे ओपिनियंस जो भी उन्होंने महसूस किया और बताया मनुष्य को, नहीं इन सभी है, ज्ञान के दिव्य चक्षु किसी के पास नहीं है। इसलिए मनुष्य ने विश्वास कर लिया कि ये ऋषि मुनि झूठ थोड़ी बोलते हो, उन्होंने तो महसूस किया है ना, दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ, भले कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों ना हो, विश्वास कर लिया। वो मनुष्य ने आज की जनरेशन के बच्चे को समझाना चाहा, जो साइंटिफिक दिमाग है, लॉजिकली हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना चाहता है, उसको समझाना चाहे ये सब भगवान है। तो आज का जनरेशन का बच्चा क्या कहता है, बकवास। एक बात कहो ना, दस बात कहते हैं एंड यू से एवरीथिंग इज ट्रूथ, हाउ कैन वी बिलीव दैट, कैन यू प्रूव इट? और इसलिए आज ईश्वर की बात को लेकर इतना कंफ्यूजन हो गया है दुनिया के अंदर कि लोगों ने कई जगह तो छोड़ ही दिया कि ये अपने समझ की बात नहीं है, जब वो आकर के समझाएगा तब देख लेंगे। और इसीलिए आज दुनिया के अंदर जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो लोगों ने भगवान से ये सवाल करना शुरू किया, एक खुदा तू बता दे अब, तेरा नाम क्या है, तेरा रूप क्या है, रहता कहाँ है, तू ही बता अभी, है ना। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने बताया इसलिए हमें मान लेना है क्या, नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत मतें हैं, ऑलरेडी आप बहुत कंफ्यूज स्टेज में है, हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं। परंतु आज हम आपको एक कसौटी देते हैं जिस पर आप अपनी मत को कस कर देखो सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। जैसे एक झवेरी के पास कसौटी रहती है जिस पर वो कस के देखता है कि सोना कितना कैरेट का है, उसके बाद उसको उसका मूल्य आंकता है।
ठीक इसी तरह हम भी आज आपको ये कसौटी देते हैं, और ये कसौटी है पांच बातें। पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे वो है सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन, सो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है नहीं तो वो उनसे श्रेष्ठ हो गया, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता नहीं तो वो उनसे श्रेष्ठ हो गया, जो सर्वोच्च है, सुप्रीम अथॉरिटी। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं लेकिन परमात्मा इन सभी चक्रों से ऊपर है, न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, ये दुनिया के कोई भी लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। He is beyond the experiences of all the dualities of life. कर्म और कर्म का फल, सुख दुख, पाप पुण्य सबसे परे है। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्यंत का ज्ञान है, the knower of all the three aspects of time. इसी के साथ जिस जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला है, bestower of the third eye of wisdom, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी रचने वाला है, trinity god, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। यह तीन की महिमा भी उसी के साथ लगती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, इन्फिनिट, इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज, इन्फिनिट in his virtues, infinite in his powers, anant, sarvashaktiman। ये पांच बातें हैं कसौटी। अब उस पर एक एक मत को कसकर देखते हैं सत्य है या नहीं है, राइट? पहली बात, जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे आपका विवेक? नहीं। अच्छा, क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? रचना है कहना सत्य है ना? यू एग्री टू ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस? आगे बढ़े तो इसका मतलब प्रकृति परमेश्वर कहना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने मान लिया या स्वीकार लिया कि प्रकृति परमेश्वर है, सत्य नहीं है, राइट? राइट, आगे बढ़े। दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहाँ तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा हो तो फिर मंदिरों में जाकर के हमने ये प्रार्थना क्यों की, तुम मात पिता हम बालक तेरे,
अब सत्य क्या है? हम ही माता पिता हैं या हम उस माता पिता की संतान हैं? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। आपका विवेक क्या कहता है, सत्य किसको कहें? हम ही परमेश्वर हैं या हम परमेश्वर की संतान हैं? क्या कहेंगे? संतान है कहना ठीक है? तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है, इट इज अगेन आउट ऑफ इग्नोरेंस। जो हमने कह दिया सत्य तो नहीं है। कई बार कई लोग क्या कहते कि नहीं, जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो मैं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लूं, कोई डिग्री नहीं है। हाँ, मनुष्य इस संसार में अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से कोई भी डिग्री या पोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है नहीं, पिता जैसा बन सकता है। पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है, पिता जैसा बनकर के छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, लेकिन जब वो पिता के सामने जाता है तब बच्चा ही रहेगा। इसी तरह किसी व्यक्ति ने जैसे कर्म किया वैसे उसको टाइटल जरूर मिलता है। पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। देवात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, महात्मय अनेक है, पुण्यात्मय अनेक है, पापात्मय अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, गॉड इज वन। और ये सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा कोई भी नहीं है। पुण्य आत्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा महान परमात्मा भी नहीं कहा, धर्म आत्मा धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा। और भारत में देव आत्माएं भी कितने हैं? 33 करोड़ देव आत्माएं हैं, देव परमात्मा कोई भी नहीं, गॉड इज वन। कई बार कई लोग क्या समझते हैं कि जिस तरह सागर से एक बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसा ही एक बड़ा परमात्मा है और उसके अंश होकर के टुकड़े टुकड़े होकर के हम नीचे संसार में आए और अंत में जाकर के उसी में ही लीन हो जाना है और परमात्मा बन जाना है विलीन होकर के। देखो, सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो मैटर है, मैटर मैटर में समा सकता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है, शक्ति है। और इसीलिए कंपैरिजन ही गलत हो जाती है ना? मैटर मैटर में समा जाता है और वो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन आत्मा और परमात्मा के लिए हमेशा यही कहा गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। अजर जर्जर भी नहीं होती है, अमर मत्ती भी नहीं है, अविनाशी जिसका अस्तित्व का विनाश नहीं हो सकता है, इटर्नल एंटिटी। इटर्नल माना जो शाश्वत शक्ति है, तो वो मिल कैसे जाएगी? मिल ही नहीं सकती है, विलीन कैसे हो जाएगी? इसलिए ये कंपैरिजन ही गलत है। कई बार कहता है जिस प्रकार एक बच्चा बाप का अंश है, लेकिन ये मैटर, वहां भी ये मैटर अंश है, आत्मा अंश नहीं है। आज सवेरे के सत्र में भी आपने आत्मा के विषय में इस बात को अच्छी तरह से समझा कि आत्मा एक शक्ति है, इनडिविजिबल इनपेरिशेबल इन डिवाइन सोल उसको कहा। तो जो इटर्नल एंटिटी है,
जिसके शाश्वतता सदा है, अविनाशी, इम्पेरिशेबल। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल ही वहाँ मैच नहीं होता है। और आज दिन तक हमें यही समझाया गया कि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, हम भी परमात्मा से निकले, परमात्मा में समा जाना है, विलीन हो जाना है, परमात्मा बन जाना है। ऐसे कोई परमात्मा नहीं बन सकता है। क्लियर हो गई ये बात? एनी क्वेश्चंस? नो। आगे बढ़े। तीसरी बात, जब कहते ब्रह्म ईश्वर है तो ब्रह्म माना क्या? आज सवेरे के सत्र में आपने देखा होगा कि पांच तत्वों की दुनिया से पार एक छठा तत्व है जिसको कहा जाता है ब्रह्म महातत्व, जिसको अनेक धर्मों में अनेक नामों से जाना गया है। किसी ने उसको परम धाम कहा, गीता में शांति धाम कहा, किसी ने उसको सचखंड कहा, किसी ने उसको मोक्ष धाम कहा, किसी ने उसको निर्वाण कहा, किसी ने उसको हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड कहा, किसी ने उसको सातवा आसमान कहा। पांच तत्वों की दुनिया के बाद छठा सूक्ष्म जगत से भी पार सातवा आसमान। और किसी ने उसको कहा कि अपना प्यारा घर है। हम उसको यही मानते, ये हमारा अपना प्यारा घर है। इसीलिए भजनों में लोगों ने गाया, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। अब सत्य क्या है? अज्ञानता के कारण हम दो दो बातें करते रहे। तो ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? ब्रह्म ही ईश्वर कहना सत्य है या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। क्लियर हो गई? आगे बढ़े। चौथी बात, जब लोग कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर है, क्या सचमुच भगवान कण कण में व्यापक है? आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? इस बात को स्वीकार करता है? ऊंचे से ऊंची हस्ती और कहां हमने कह दिया? क्या ये अपमान नहीं है भगवान का? तब मनुष्य क्या कहता है कि नहीं, सभी मनुष्य में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अब ये कहाँ तक सत्य है? आत्मा भी है और परमात्मा भी अगर बाजू में बैठा हो और एक व्यक्ति दूसरे का खून करे तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठे क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? आज आप घर में बैठे हो, बच्चे सामने खेल रहे हो, किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे, आप देखते रहेंगे कि छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। एक शारीरिक माता पिता बच्चे को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता है तो वो परमात्मा जो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर, वो अपने बच्चों को कैसे देख सकता है? तो सत्य क्या है? कई बार कई लोग हमें कोई बात बताते हैं, हमें मालूम नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं? छोड़ो ना, तुम क्यों ये झंझट में जाते हो, छोड़ो, ऊपर वाला जाने। कहते हैं ना, कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने। अनजानेपन में भी अंदर से यही निकला, ऊपर वाला जाने, तो ये ऊपर वाला कौन है फिर और नीचे वाला कौन है फिर? गीता के अंदर जब भगवान ने ये वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, जब ये वायदा दिया गया
कि अधर्म के समय पर मैं इस संसार में अवतरित होता, अवतरित होता नहीं है तभी तो आएगा, तभी तो इतना अधर्म फैला। अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? अगर वो यही है तो फिर कौन आएगा? कितने सारे सवाल हैं। आज प्रकृति के अंदर भी ये विशेषता है कि लोहे को अगर अग्नि में रखा जाए तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा कि लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा, संग का रंग। अगर प्रकृति अपनी विशेषता के माध्यम से संग का रंग लगा सकती है, मनुष्य में भी हमने देखा कि कोई थोड़ा दिन किसी के संग में रहता है तो उसको संग का रंग लग जाता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक शिकारी दो तोता पकड़ कर ले आया, बाजार में बेचने बैठा। एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए, दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। थोड़े दिन में देखा गया कि जो तोता महात्मा के आश्रम पर गया था वो सुबह सुबह राम राम बोल रहा था, और जो तोता बदमाश के अड्डे पर गया था वो सुबह सुबह गालियां बोल रहा था। पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है। परमात्मा गुणों में अनंत, अगर वो हम सबके अंदर बैठा हो और उसका कोई गुणों का संग का रंग हमें न लगे, ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है। लेकिन तब फिर बात ये ही आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में ही आई, तो क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन शायद शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया है उस भाव को हमने समझा ही ना हो, ये तो हो सकता है। शास्त्र किसने लिखा? ऋषि मुनियों ने लिखा। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र किस बेसिस पर लिखा? अपने अनुभव के बेसिस पर लिखा। और कहा जाता है कि उस समय के ऋषि मुनि दे वर एबल टू ट्रेवल थ्रू टाइम, समय के अंतराल से वो देख सकते थे, ट्रेवल कर सकते थे। और जब उन्होंने ये देखा कि कली काल जब आएगा तो घोर पाप कर्म होगा और मनुष्य को ये पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है जब घुटना करना सीखता है घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, माँ को उस वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं बच्चा रास्ते पर ना निकल जाए, इसलिए माँ उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है। बाहर एक गाय या बकरी या कुछ भी दिखाकर, कुत्ता दिखाकर कहेंगे देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया बच्चे की सुरक्षा के लिए। और बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता भी है, जैसे ही कुत्ते को गाय को देखेगा क्या करेगा? अंदर आ जाएगा और इतना खुश होता है, यही व्यक्त करता है, आई एम सेफ, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। हंसते हुए बाहर जाएगा, कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में लाएगा, कहेगा लो मैं ही लेके आया। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह जब कली काल आरंभ हुआ तो मनुष्य भी पाप करने से डरता था। आज से 200-300 साल पहले भी मनुष्य डरता था, कोई अगर उसको पाप करने के लिए प्रेरित भी करता था तो क्या कहता था? बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूँगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया है, और इसलिए कोई अगर उसको याद भी दिलाता है कि क्यों पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है? वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला,
समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। हो रहा कहने का भावार्थ, शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया था आज वो भाव भी खत्म हो गया और मनुष्य पाप करता ही चला जा रहा है। कोई डर नहीं, सोचता है, कोई कहता है तो कहेंगे देख लेंगे, यही कहते हैं देख लेंगे, जब आएगा हिसाब चुकतू करने का तब देखा जाएगा, अब तो कर लो मौज कर लो, है ना, कोई डर नहीं। कई बार कई लोग हमसे बहस करते, आप क्या कहना चाहते, भगवान सर्वव्यापी नहीं है? हम उनको पूछते आप मानते, कहते हाँ मानते ना, भगवान कण कण में। फिर हम उसको एक ही बात कहते हैं, इसका मतलब आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा, क्योंकि जो इस बात को मानता हो, स्वीकार करता हो कि भगवान मुझे देख रहा है, उससे कभी कोई गलत काम होगा? जब ये बात कहते हैं कि आपका आपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा तो चुप हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर कैसी बात है? अगर पाप भी करते जाना है तो वाई एडवोकेट, या तो पाप न करो, उस बात को स्वीकार करो, पाप न करो। पाप भी करना है और कहता है भगवान हमें देख रहा है वो कर, कितना कितना पैराडॉक्स है मनुष्य जीवन के अंदर। हम तो उस बात को स्वीकार करते हैं, आज कोई हमें कह देता है कि बहन जी आप अकेले जा रहे हैं बाहर, तो हम कहेंगे नहीं, भगवान मेरे साथ है, उसकी याद हमारे साथ है, है ना, और इसीलिए कोई गलत काम नहीं करना है। उस भावना को लेकर चलो, बड़ी ऊंची बात है, लेकिन सिद्धांतिक रूप से मान लेना कि ये माइक में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करना, ये कुर्सी में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करना, ये टेबल में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करना, ये अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करना, उस भावना को लेकर चलो, जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं होगा। शास्त्र ये बताना चाहते थे, लेकिन वो भाव खत्म हो गया, सिद्धांतिक रूप में आ गए, जो आया उसकी पूजा करने लगे, हर चीज की पूजा कर रहे हैं, कितनी अंधश्रद्धा हो गई। क्लियर हो गई ये बात, आगे बढ़े। पांचवी बात, जब कहते निराकार है, ना नाम है, ना रूप है, ना आकार है, नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है ही नहीं, हवा जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन एक चित्रकार को अगर चित्र निकालना और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? चित्र को देखकर कहेंगे कि बड़ी तेज हवा चल रही है, और शांत प्रकृति दिखाना है जैसे पत्ता भी नहीं हिल रहा है तो भी दिखा सकते हैं, जैसे हवा चली नहीं रही है, कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है, तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज ही नहीं है। तो क्या स्वयं परमात्मा नाम रूप आकार बिना हो सकता है? उसका भी आकार तो होगा, कौन सा है? तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा, आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज, द लाइट ऑफ द लाइफ हैज गॉन, यही कहते हैं ना। अगर आत्मा का स्वरूप एक डिवाइन लाइट है, जो आज सुबह आपने देखा समझा जाना, तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वैसा ही होना चाहिए। अगर आत्मा प्रकाश पुंज है तो उसके पिता का स्वरूप भी प्रकाश पुंज ही है। जिसकी मान्यता हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई है, ज्योतिर्लिंगम, लिंग माना आकृति, ज्योति की आकृति, ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए
हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी जिस पर मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसको नाम दिया सदा शिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले, कल्याणकारी है, गुणवाचक नाम है। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होते हैं। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी, है ना। किसी का नाम होगा हसमुख भाई, लेकिन कभी हंसते ही नहीं है, उदास रहते हैं। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। सदा शिव, सदा कल्याण करने वाले। शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति, गुणवाचक नाम। और इसीलिए भारतवासियों ने 12 ज्योतिर्लिंगम बना दिए, जो आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। मनुष्य जब भी चार धाम की यात्रा पर जाता है, चारों धाम लगभग शिव के होते हैं, इतनी महत्ता है इसकी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में चले जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में होती है, वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में होती है, भारत से बाहर नेपाल चले जाओ तो पशुपतिनाथ के रूप में होती है। तो शिव की पूजा सारे भारत भर में है। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी, तो गुजरात में या महाराष्ट्र में चले जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तो तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय मुरुगन की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। भारत में जब भी शिव का मंदिर एस्टैब्लिश किया जाता है, तो उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, वैसे देवी देवताओं का मंदिर जब बनाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा में देवताओं की मूर्ति दरवाजे से ले जाते हैं और उसको स्थापित करते हैं। लेकिन अगर आपने देखा हो या नहीं देखा हो, डॉक्टर से शायद नहीं भी देखा होगा, लेकिन जब शिव का मंदिर स्थापित होता है, उसमें जब लिंग की स्थापना करते हैं तो दरवाजे से नहीं ले जाते हैं, पता है आपको, ऊपर से, ऊपर गुंबज नहीं लगाया जाता है उसका, और ऊपर से उसको उतारा जाता है, क्योंकि एक शिव ही वो परमात्मा है जो अवतरित होते हैं इस संसार में। वो किसी दरवाजे से यानी माँ के गर्भ से नहीं आता है, अवतरित होता है, पर काया प्रवेश। इसलिए उसके मंदिर में भी उसकी वो लिंग की प्राण प्रतिष्ठा ऊपर से उतारा जाता है, और जब ऊपर से उतारने के बाद फिर गुंबज लगाया जाता है। देखना या जानने का प्रयत्न करना कि एक शिव के मंदिर में ये ऐसा क्यों होता है। जिसको कहा गया देवों का भी देव, महादेव, जिसकी पूजा सारे देवी देवताओं ने भी की। रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की। अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि स्वयं श्री राम बहुत अच्छे से जानते थे जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहाँ से प्राप्त की थी, शिव भक्त था, इसीलिए तो भोलेनाथ कह दिया कि रावण ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, श्री राम ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी। इतना भोला है, जिसने भी प्यार से याद किया उसको शक्ति प्राप्त हो गई। इसी तरह वृंदावन चले जाओ, गोपेश्वर मिलेगा, जहाँ दिखाते बचपन से श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मिल करके शिव की पूजा की थी। जिन देवियों की पूजा करते हैं वो देवियाँ कौन है, तो कहते हैं असुर संहारनी शिव शक्तियाँ, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियाँ।
इसलिए शक्तियों का भी जन्म नहीं दिखाया जाता है, जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, उत्पत्ति है, है ना। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती कर देते हैं जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां नाम अलग है, आइडेंटिटी ही अलग है। एक निराकर ज्योतिर्लिंगम, एक आकारी देव पुरुष, ऑक्यूपेशन अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, सदा कल्याण करने वाले परम पवित्र शांति के दाता, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। ऑक्यूपेशन भी अलग, आइडेंटिटी अलग और नाम भी अलग, फिर एक कैसे हो सकता है। जब भी कोई मंत्र देता है भारत में, ओम नमः शिवाय का मंत्र, किसी ने ओम नमः शंकराय कहा? एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते? शिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि कहा? एक है तो कहना चाहिए। शंकर को पूरा परिवार के साथ दिखाया, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिक के दो बच्चे, शिव निराकार स्वरूप में ही दिखाया जाता है। शंकर की एक ही मुद्रा में अधिकतर इसको दिखाया जाता, तपस्या की मुद्रा। किसकी तपस्या कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? कहते कैलाश पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है ना। इसीलिए वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। एक पिता है, एक पुत्र है। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर दूसरे धर्म में जाएं, इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु मक्का जब जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है, और इस पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है। कहानी ये है कि मक्का में पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। हर एक के अपने अपने इष्ट थे जिनको वो अल्लाह मानते थे, परंतु मोहम्मद पैगंबर साहब जब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा मतभेद हुआ कि क्या ये हमारे अल्लाह नहीं है? उसने कहा अल्लाह एक है। लोगों ने उसको मदीना भेज दिया गया, मक्का में रहने नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये विचारधारा चलती रही कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। धीरे धीरे लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए, काफ़ी मात्रा में जब लोग हो गए, पुनः मक्का आए, अल्लाह एक है। काफ़ी लड़ाई झगड़ा खून खराबा होने लगा। उस समय कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। और उस स्वरूप ऊपर से वो पवित्र पत्थर गिरा, उसी समय वो 360 देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया, ये पवित्र पत्थर की स्थापना की गई। और तब से लेकर के ये मान्यता है कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती। हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाता है वो क्या करता है? अपने पापों का प्रायश्चित करता है, ये पवित्र पत्थर को चूमता है, शैतान को पत्थर मारता है, और 7 बार इसकी परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है, और सिर्फ मक्का में होती है, और कोई मस्जिद में नहीं होती है। 7 बार परिक्रमा करने के बाद अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता, और वो लाइन है, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर यानी लाइट, तेज। ज्योति मतलब लाइट, जिसको हिंदू धर्म में ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में, यहूदियों में कहा जाता है कि मोसेस जब माउंटेन पर गए, जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले,
उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देखकर मोसेस ने कहा, यहोवा द सुप्रीम लाइट। जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसीलिए जब उनको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, उस वक्त भी अपनी अंतिम प्रार्थना में उसने भगवान से यही कहा, हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर वेटिकन चले जाओ, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप निराकार लाइट का ही सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, जितना स्पष्ट और किसी ने नहीं किया। और इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, जैन धर्म कहा जाता है 24 तीर्थंकर है, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? कहते सिद्ध शिलापति, जो सर्वश्रेष्ठ। आज भी जैनी लोग जब दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया, वो गति हमें भी प्राप्त हो। और उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के लिए तीन बातें बताते हैं, ज्ञान, दर्शन, चरित्र। चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, ज्ञान के दिव्य चक्षु चाहिए, और जो दर्शन शास्त्र जो बातें हैं उसमें लिखी, उसको जीवन के अंदर उतारने का है, फिलॉसफी को पालन करना है, तभी उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी किसी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, चिंकुन सिकी। चिंकुन सिकी का मतलब है शांति का दाता, बिल्कुल शिवलिंग आकार का है। और अभी इस पत्थर के शेप पर रिसर्च किया जा रहा है कि यही पत्थर क्यों, तो उनके रिसर्च से ये पता चला है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर निकलती है तो यही पत्थर से निकलती है। इसीलिए ऊर्जावान, भारत में शिवलिंग के ऊपर आपने देखा होगा कलशी रखते हैं और बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, क्योंकि सबसे ऊर्जावान अगर है तो उसको शीतल रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए उसके ऊपर बूंद बूंद पानी जो टपकता है उसको शीतल रखने के लिए। और पहले के ज़माने के अंदर भारत में, हिंदू धर्म में विशेष, बहनों को शिव की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी पता है? क्योंकि अगर सबसे ऊर्जावान वही है, बहनें इतनी श्रद्धा से अगर भक्ति करेंगी, पूजा करेंगी और सारी ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगी, तो आज के पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का क्या होगा? इसलिए बहनों को शिव की पूजा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो भाइयों का क्या हो जाए? एक डर जो था सबसे ऊर्जावान। और इसीलिए शायद ब्रह्मा कुमारीज आज वर्ल्ड में लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, क्योंकि उसी शिव पर ध्यान करके वो ऊर्जा को हासिल कर लिया है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आगे जाए, पारसी धर्म में कहा जाता है, पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहाँ खंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्व धर्म मान्य पहली कसौटी, जिसको सभी धर्म वालों ने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया, वो कौन है? एक ही तो है, जिसको ज्योति कहो, लाइट कहो, नूर कहो, प्रकाश कहो, अखंड ज्योति कहो, निराकार कहो,
सिद्ध शिलापति चिंकोन से की जो भी कहो, गुरु नानक देव ने जो भी महान दिव्य आत्माएं संसार में आ गए सभी ने उस एक की ओर इशारा किया, वहां तक के साईं बाबा ने भी हमेशा यही कहा सबका मालिक एक। उसने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक, लेकिन हम उन्होंने जो इशारा किया उसको शायद समझे ही नहीं, इसलिए अनेक ब्रांचेस में चले गए तो पहली कसौटी एक के लिए ही खरी उतरती है। दूसरी कसौटी सर्वोच्च शक्ति जिसके ऊपर कोई नहीं है, इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ, उसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है, सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम अथॉरिटी। और जो सभी चक्र से परे हैं, जितने भी चक्र है इस संसार के, जन्म और मृत्यु, देह और देह के संबंध, कर्म और कर्म का फल, पाप और पुण्य, सुख और दुख, सभी चक्र से ऊपर है, सबसे परे, कोई चक्र में नहीं आता है। इसीलिए गीता के चौथे अध्याय में भगवान ने कहा मैं अजन्मा, हे अर्जुन इन चरम चक्षुओं से तुम मेरे दिव्य जन्म को नहीं देख सकते हो, क्योंकि मैं अजन्मा, मनुष्य सदृश मेरा जन्म नहीं है, मैं किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं। अजर अमर अविनाशी, विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित मैं ही हूं। आठवें अध्याय में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन मैं नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूं, सूक्ष्म ते सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म। भगवान वाच और इसीलिए पर होते हुए भी सर्वज्ञ है। तीन बातें उस एक के साथ ही लगती है। शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर होती है और ये तीन लकीर सिंबलाइज करती है जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, और उसके पास सत्य ज्ञान होने कारण ही उसको सत्यम कहा गया। तीन लकीर आदि मध्य अंत का ज्ञाता, शिवलिंग के ऊपर ये तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला त्रिनेत्री, जिससे मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए उसको शिवम कहा। और ये शिवलिंग की पूजा में ही तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए, अर्थात परमात्मा त्रिमूर्ति है। इंग्लिश में भी कहा गॉड फादर, द फादर ऑफ जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा। तो सत्यम शिवम सुंदरम एक परमेश्वर के लिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ भारतवासियों को एक प्रश्न जरूर मन के अंदर आता है कि यहाँ जो ब्रह्मा का चित्र दिखाया गया है और भक्ति में जो हमने ब्रह्मा का चित्र देखा उसमें तो अंतर है, इसको ब्रह्मा क्यों कहा गया? तो भक्ति में जो हमने ब्रह्मा का चित्र देखा कि ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जिसको दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था है। देवताओं को दाढ़ी मुछ वृद्ध अवस्था नहीं होती है, असुरों को बड़ी बड़ी मूछें होती है, मनुष्य को दाढ़ी मुछ वृद्ध अवस्था देवताओं को नहीं होती है, ऐसे कहा गया है। खाली एक ब्रह्मा देवता ही ऐसा है जो दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था। दूसरा, आज की दुनिया में कोई बच्चा दो मुंह वाला पैदा हो जाए तो क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? एबनॉर्मल चाइल्ड कहते हैं ना, एबनॉर्मल चाइल्ड ही कहते हैं। दो मुंह वाला पैदा हो गया, शरीर एक हो, दो मुंह हो तो क्या कहेंगे? एबनॉर्मल कहेंगे ना। ब्रह्मा को चार मुखधारी दिखा दिया फिर भी एबनॉर्मल नहीं कहा, ये भी किसी बात का प्रतीक है।
किसी बात को सिंबलाइज कर रहा है ना। चार मुख वाले को एबनॉर्मल ना कहे ये तो हो नहीं सकता है मेडिकल लैंग्वेज में। तो ब्रह्मा के हाथ में सारे शास्त्र दिखाए, उसको शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत थी। और कमल आसनधारी, कमल के ऊपर कोई बैठ सकता है, ये भी सिंबलाइज किया गया है, किसी बात का प्रतीक है, प्रतीक है। कहने का भावार्थ यही है कि ब्रह्मा का चित्र जो भक्ति में हमने देखा वो एक प्रतीकात्मक है, और किस बात के ओर संकेत कर रहा है, संकेत उसी बात की ओर कर रहा है कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित हुए उस समय कौन सा काल चल रहा था। तो देवों की सृष्टि नहीं थी, असुरों की सृष्टि भी नहीं थी, मनुष्य सृष्टि थी जब घोर पाप कर्म हो गया। तो मनुष्य स्वरूप को दर्शाने के लिए दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था है कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित हुए तो जैसे गीता के सातवें अध्याय में कहा कि मैं अति साधारण रूप में अवतरित होता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण कर लेता है। क्योंकि अति साधारण स्वरूप यही है, अगर भगवान कोई दिव्य स्वरूप में अवतरित हो जाए तो लोग उसको काम करने देंगे या दर्शन की भीड़ मचाएंगे, क्या करेंगे। हाँ, वो कुछ समय पहले की बात याद आती है, गणेश जी ने दूध पिया था भारत में, सारी रात रात लोग लाइन में खड़े थे देखने के लिए, है ना। तो भगवान अगर कोई दिव्य स्वरूप में अवतरित हो जाए तो लोग उसको काम करने नहीं देंगे, दर्शन की भीड़, आशीर्वाद चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा मैं अति साधारण रूप में आता हूं, कोटों में कोई में भी कोई ही पहचान पाते हैं, सब नहीं पहचान सकते। तो मनुष्य स्वरूप साधारण स्वरूप है। फिर आकर के सबसे पहले परमात्मा क्या करते, उसके जीवन का प्यूरिफिकेशन। उस समय संसार कीचड़ जैसा था और उस कीचड़ में कमल को खिलाया, उसके जीवन का प्यूरिफिकेशन, कमल आसनधारी। फिर क्या किया, तो सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाया। किसको सुनाया, खाली हिंदू धर्म वालों को नहीं, सारे संसार की आत्माओं को। तो सारा संसार कैसे दिखाए, तो चार दिशा में चार मुख है कि वो ज्ञान जो प्रवाहित हुआ वो संसार की चारों दिशा में फैला, और फैला कैसे, सहस्त्र भुजाओं द्वारा। सहस्त्र भुजा माना, भुजा माना सहयोग की निशानी। आज कोई हमारा मददगार होता है तो हम क्या कहते, मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, इसके बिना काम नहीं होता है। तो ब्रह्मा के भी इस दिव्य कार्य में हजारों आत्माएं मददगार बन गई। परमात्मा का जो दिव्य कार्य है, जो ब्रह्मा के द्वारा करवा रहे हैं, करण करावनहार परमात्मा है, लेकिन उसमें हजारों आत्माएं राइट लेफ्ट हैंड बन करके मददगार बन गए। आप मददगार बनना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, कि अभी तक भी पहचान नहीं है, क्या कहेंगे। और पांचवी कसौटी, सर्व गुणों में अनंत। ज्योमेट्री में पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, ज्योमेट्री में पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, डायमेंशनलेस, मेजरमेंटलेस, इन्फिनिट। इन्फिनिट उसको कहा, अनंत, क्योंकि पॉइंट के बिना एक लकीर नहीं खींच सकते, पॉइंट के बिना एक शब्द नहीं लिख सकते, इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। साइंस के अंदर सबसे सूक्ष्म अणु होता है, और परमात्मा सूक्ष्मते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म है, इसलिए सर्वशक्तिमान है। जितना अणु सूक्ष्म उतना शक्तिशाली, परमात्मा सूक्ष्मते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, इसलिए सर्वशक्तिमान। तो ये था आज परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी का परिचय लेते तो पांच बातें पूछते हैं, नाम क्या है, फिर
आइडेंटिटी चाहिए, तीसरा क्वालिफिकेशन चाहिए, चौथा एड्रेस चाहिए, पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। आज हमने भी परमात्मा के परिचय में सबसे पहले उसका नाम सदाशिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी कहो, अनेक नाम दिए गए उस एक को। उसका स्वरूप अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश नूर लाइट अखंड ज्योति स्वरूप निराकार। उसके क्वालिफिकेशन वो पांच बातें, सर्व धर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। और उसका एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, परम धाम, मोक्ष धाम, अखंड ज्योति का दिव्य लोक जहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं। और उसका ऑक्यूपेशन यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने का दिव्य कार्य परमात्मा कराने वाला है, खुद नहीं करता है। इसलिए उसकी महिमा में गाते करण करावन हार है। ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा महाविनाश, कराने वाला कौन? परमात्मा। इसलिए ये तीन देवताओं की महिमा सभी धर्मों में अभी आती है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, इस्लाम धर्म में उसको जिब्राइल मिकाइल इसराफिल कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म में द थ्री होली एंजल्स या थ्री होली गोस्ट कहते हैं। हर धर्म में आपको ये तीन देवताओं की भी यादगारें मिलेगी, है ना। करण करावन हार परमात्मा अपनी इन तीन मूर्तियों के द्वारा, इसलिए ये तीन देवताओं का भी जन्म नहीं दिखाते, उत्पत्ति दिखाते। और उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो कहा प्रकाश से, लाइट से, क्योंकि परमात्मा प्रकाश स्वरूप जो उन तीनों को उत्पन्न करते हैं। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। अब तो आपके घर में आपका बेटा या पोता आपसे पूछे कि भगवान कौन, तो जवाब दे सकेंगे या नहीं दे पाएंगे? दे सकेंगे या नहीं दे पाएंगे? क्लियर है आप सबके मन में भी ये कॉन्सेप्ट? अब क्लियर हो गया तो ईश्वर में मन लगेगा या अभी भी नहीं लगेगा? लगेगा। अब तक भटक रहा था क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पता नहीं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मन को एकाग्र करना सहज हो गया। किस में करना? हजारों देवी देवताओं में नहीं करना है, सुप्रीम में अपने आप को कनेक्ट करना है, जोड़ना है। और जब जोड़ लेते हैं तो भगवान से कुछ मांगना नहीं, शांति दे दो, सुख दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मांगो नहीं। बाहर धूप में खड़े हो जाओ, सूर्य से मांगते नहीं कि हे सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, मांगते हैं क्या? नहीं। समुद्र के पास खड़े रह करके समुद्र से मांगते नहीं कि तेरी शीतल हवा मुझे दे, खड़े रहो मिलेगी अपने आप, वो ऊर्जा आएगी आपके पास, रोम रोम में समाने लगेगी। हमें भी ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है। अपने ध्यान को एकाग्र करो और उस ऊर्जा को रिसीव करो। रिसेप्टर्स हमारे क्लीन एंड क्लियर हो, समाती जाएंगी उस ऊर्जा, एम्पावर्ड होते जाएंगे। और जितना खुद को एम्पावर्ड कर सकेंगे तो हमें आवश्यकता नहीं होगी किसी के द्वारा एम्पावर होने। एम्पावर्ड हो जाओ, आप दूसरों को एम्पावर करो, ठीक है। अच्छा, दो मिनट परमात्मा की स्मृति में हम सभी बैठेंगे और ध्यान को ईश्वर में एकाग्र करेंगे। मैं आपको विचार देती जाऊं, आप उन विचारों को खाली रिपीट नहीं करना, लेकिन उस भाव में, उस फीलिंग्स में अपने आप को ले चलना। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए अपने मन को
बाह्य सभी बातों से। समेट लेते हैं स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। महसूस करें मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज ब्रुकुटि की मध्य में मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है। संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने वास्तव में मैं आत्मा देह रूपी वस्त्र से अलग न्यारी हूं, मालिक हूं सर्व कर्मेंद्रिय की। अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, ज्योति पुंज के रूप धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि से यात्रा करते हैं। एक आध्यात्मिक यात्रा पर मन को ले चलते हैं, ईश्वर के सानिध्य में, पंचतत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारा गण से भी पार, परम धाम में। जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, जहां मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, मुक्त हूं, कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, और अंतर चक्षु से स्वयं को अपने पिता परमात्मा के सन्मुख देख रही हूं। जैसे मैं आत्मा ज्योति पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप प्रकाश पुंज है। कितना दिव्य स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, सर्व शक्तियों की ऊर्जा को मैं स्वयं में समाती जाती।
और धीरे धीरे परमात्म शक्ति से सशक्त हो रही हूँ। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में परमात्म शक्ति की ऊर्जा को सर्व कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती हूँ। और अपने कर्म में, व्यवहार में, संबंध में इसी ऊर्जा को प्रवाहित होने देना है। ओम शांति।